अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनी। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं पे भी होंगी खुश और आबाद होंगी। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ दही स्टाइल का दही पालक गोश्त। और ये किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर ले, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर ले ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ मैंने लिया है तेल, तेल को मैं गर्म करने के लिए रख दिया है। सबसे पहले जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी 2 दालचीनी के छोटे स्टिक्स, जीरा साबित, काली मिर्चें और 5 अदद लौंग। ये चले जाएगा। जैसे ही हमारा जीरा थोड़ा सा कड़कने लग जाएगा तो इसके अंदर मैं डालूंगी 2 अदद दरमियानी साइज की प्याज। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 2 अदद दरमियानी साइज की प्याज। इसको मैं करूँगी थोड़ा सा सुनहरी, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना, थोड़ा सा सुनहरी करना है ताकि गोल्डन सा कलर आ जाए, जिस तरह हम कोरमे के लिए रखते हैं वैसे ही सेम। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी प्याज हो चुकी है लाल, तो इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, इसको करूँगी सौते। इसी के साथ मैं डालूँगी अपना गोश्त, मैंने चिकन बनाने हैं, ये बोनलेस गोश्त है, ये चले गया इसके अंदर। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी गोश्त को ताकि इसकी थोड़ी स्मेल चले जाए, ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सबसे पहले नमक हसबे ज़रूरत, ध्यान से डालिएगा क्योंकि पालक में भी नमक होता है, तो थोड़ा ध्यान से डालिएगा। नमक हो गया, इसके अलावा इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और धनिया पाउडर। इसको मैं पहले भुनाई करूंगी इसकी थोड़ी सी अच्छे से। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि मेरे मसाले जले नहीं। पानी चला गया, अब इसकी थोड़ी थोड़ी करके भुनाई करूंगी। मसाले मेरे भून रहे हैं, इसी दौरान मैं 3 दरमियानी साइज के 3 टमाटर लिए हैं छोटे, वो मैं इसमें डाल दूंगी ताकि मेरे टमाटर भी अच्छे से गल जाएं और मेरा मसाला भी अच्छे से भून जाए इसी के साथ में। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा मसाला अच्छे से भून चुका है, टमाटर भी मेरे काफ़ी गल चुके हैं, तो इस स्टेज में गोश्त मेरा कच्चा है, लेकिन गोश्त के साथ ही मैं पालक डाल दूँगी क्योंकि दिल्ली में गोश्त को पकाते के दौरान ही पालक डाल दी जाती है, तो मेरे पास पालक ज़्यादा है क्योंकि पालक अभी मौसम की आई है, तो ये पालक भी मैं साथ में डाल दूँगी और इसको थोड़ा थोड़ा करके हिलाती रहूँगी ताकि मसाला नीचे जले नहीं। इस तरह से मैंने ये डाल दी पालक, अब ये बाकी की पालक भी मैं डाल दूंगी। और जितना आपको पानी फिर चाहिए होगा फिर उस हिसाब से आप पानी डाल के गोश्त गला लें। ये सारी पालक मेरी चले गई और इतना अच्छा टेस्ट आता है पालक और इसका दिल्ली स्टाइल की पालक गोश्त का। क्या इन सबको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी ताकि जितनी मुझे पानी की ज़रूरत होगी उतना पानी डाल के इसको ढककर और मैं रख दूँगी गोश्त को गलने तक के लिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है, मेरी सब्ज़ी पक चुकी है और ये मेरे गोश्त भी देख सकते हैं बिल्कुल गल चुका हुआ है, तो इसी स्टेज पर मैं डालूँगी थोड़ा सा धनिया। इस ऊपर मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। इसको मिक्स कर लेंगे। फिर मैं डालूँगी 4 अदद छोटी वाली हरी मिर्चें साबित डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी खुश करके, फिर इसे डिश आउट कर दूँगी और मेरा देगी पालक गोश दिल्ली स्टाइल का बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा मैं इसका पानी खुश कर लूँगी तो ये बस रेडी हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पालक गोश्त बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलती हूँ नेक्स्ट डिश में। जाने से पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।